अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ैनब नुमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपने ब्राइडल बेस गर्मियों के लिए कैसे बनानी है, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, स्वेट प्रूफ हो, अपनी जगह से बिल्कुल हिले ना। इसके लिए आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी और प्रोसीजर आपने क्या करना है, ठीक है। स्टेप्स आपको कौन कौन से फॉलो करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है गर्मियाँ हैं, पोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन हुए हुए हैं। सबसे पहले अपने अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करके पोर्स को मिनिमाइज़ करने हैं, ठीक है। और मिनिमाइज़ करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी क्यूब की, ठीक है। बर्फ़ क्यूब लेकर आप लोगों ने अपने क्लाइंट के या अपने फेस के स्किन पर अच्छे तरीके से रब करना है। डायरेक्ट भी रब कर सकते हैं, फेस वाइप में रैप करके इसको अच्छे से आप लोगों ने अपने स्किन को रब रब करना है 2 से 3 मिनट, ठीक है, ताकि आपके जो पोर्स हैं, आपका स्किन जो है काफ़ी मिनिमाइज हो जाए, पोर्स काफ़ी श्रिंक हो जाए, ठीक है। क्लोज तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने 5 मिनट तक स्टे देना है। आपको पता है एकदम फेस जो है बहुत ज़्यादा रेडनेस में आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपकी स्किन को रेस्ट देने के बाद आपने देखना है कि आपके क्लाइंट का अगर स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई है गर्मियों में, फिर आपने कोई लाइट वेट लोशन या मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है, ठीक है, जो ऑयल बेस्ड बिल्कुल भी ना हो, और उसको अच्छे तरीके से स्किन में स्मर्च कर देना है। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है ऑलरेडी, तो फिर आपको मॉइस्चराइज़र को स्किप कर देना है। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप पर आपने आ जाना है। आपको यूज़ करना है एक प्राइमर। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का ये फोटो फिनिश फाउंडेशन प्राइमर, ठीक है, ऑयल फ्री इस पर मेंशन है। गर्मियों में आपने कोशिश करनी है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स जो है ऑयल फ्री होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा ऑयल प्रोड्यूस ना हो, हमारा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे। ऑयल की वजह से वो जगह जगह से हटेगा, ठीक है, पोर्स में से ऑयल क्रीज होगा, बाहर आएगा। अब अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोज के स्पेशली इर्द गिर्द आपने अपने प्राइमर को अच्छे तरीके से फेस पे स्मर्ज कर देना है, ब्लेंड कर देना है, थोड़ी देर के लिए वेट करना है, ताकि, ठीक है, रेस्ट देना है। हर प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने ट्राई करने के उसको रेस्ट दे दो, ठीक है। अब अगला स्टेप आप लोगों ने करेक्शन करना है अपने ब्राइड के फेस पे, अपने क्लाइंट के फेस पे या अपने फेस पे। इसके लिए आप लोगों को यूज करना है क्राइलोन का ये चाइनीज स्टिक, ठीक है। क्राइलोन के आपको पता है प्रोडक्ट्स जो है इंटरनेशनल ब्रांड के हैं, और ये बहुत ही मतलब बड़े बड़े सैलून्स में इंटरनेशनल लेवल पे यूज होते हैं, मॉडल्स के मेकअप में, ब्राइडल मेकअप में। ये चाइनीज देखें इस तरह से ये कलर करेक्टर आता है, ये ओरिजिनल है, आपको हाफिज स्टोर से, इचरा में, मेकअप सिटी से। आपने कोशिश करनी है कि ऑथेंटिक इसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट लो, क्योंकि आपको पता है क्राइलोन का फेक मार्केट में बहुत ज्यादा आता है। तो ये देखें चाइनीज है, ठीक है, इसकी प्राइस 3000 से अबव है, और जब इसमें ऑफ लगा हो तब आप इसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का ही आप जो है अपने डार्क सर्कल्स पे, माउथ के इर्द गिर्द, अपने फोरहेड को अगर डिस्कलरेशन हो तो इसको अपने फिंगर की मदद से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब फेस कलर करेक्ट कर लेना है आपने, तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को लेनी है क्राइलोन की टीवी पेंट स्टिक, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपका शेड क्या है। मेरे पास 2 शेड्स हैं यहाँ पे, FS45 और आइवरी। 45 जो है ये येलो अंडरटोन है, ठीक है, और ये वाला जो आइवरी है ये पिंक अंडरटोन में है, ठीक है। आप यहाँ पे इन दोनों को, ये थोड़ा ब्राइट में है, ज्यादा ब्राइट है, और ये थोड़ा मीडियम स्किन के लिए है, लेकिन आया जो येलो अंडरटोन वार्म अंडरटोन स्किन टोन्स है। अगर आपके पिंक अंडरटोन आ जाता है ना आपका क्लाइंट जिसका ब्लू वेन्स होती है हाथ पे, तो जब आप उस पर ये वाला फाउंडेशन अप्लाई करोगे ना येलो अंडरटोन वाला, तो उसका मेकअप बहुत ज्यादा ग्रे कर जाएगा। आपने अक्सर नोट किया कि कुछ ब्राइड्स का मेकअप थोड़ी देर में उनकी बेस ग्रे हो जाती है। रीजन ये होता है कि उनका जो मेकअप आर्टिस्ट होता है उसने अपने क्लाइंट का स्किन अंडरटोन चेक ही नहीं किया होता, और उनके पास जो एक ही लगातार अपने पॉलर में यूज हो रही होती है स्किन फाउंडेशन, वही पकड़ के उस पर अप्लाई कर देती है। तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने ध्यान रखना है, स्किन अंडरटोन कभी भी गलत अप्लाई नहीं करना। मोस्टली पाकिस्तान में, एशिया में जो येलो अंडरटोन्स वार्म अंडरटोन होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है ब्लू भी आ जाता है, ठीक है, मतलब कूल अंडरटोन भी आ जाती है। मैं यहाँ पे फिलहाल यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्राइलोन का FS45 स्टिक पेंट आप लोगों ने अपने पूरे स्किन पर अप्लाई कर देना, ठीक है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, जब आपने मॉइस्चराइज किया होगा, प्राइम किया होगा स्किन को, तो ये इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही नाइस होगी। अब आपने एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है और उसकी मदद से आपने इसको ब्लेंड कर देना, ठीक है। ज़्यादा हैवी कवरेज देने की आपको स्टिक के साथ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे स्टेप्स रहते हैं। आपने बस मेक श्योर करना है कि इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। इसके ऊपर जो फाइनल स्टेप हम ब्राइडल बेस के लिए करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार और अमेजिंग है। क्राइलोन के प्रोडक्ट्स की जो कवरेज है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही, ये देखिए ड्यूई ग्लोई सा आपको लुक आ रहा होगा, और ये थोड़ी देर में सेट होने के बाद इसका फाउंडेशन की और भी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पार्टी मेकअप में आप बेस यहाँ तक अपनी रख सकते हैं, उसको मजीद पाउडर से सेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ब्राइडल बेस में क्या करना है, आप लोगों को फर्स्ट लेयर हमारी हो गई है, ठीक है, आपने मिनिमाइज रखनी है, ज़्यादा हैवी मोटी कवरेज नहीं देनी, क्योंकि प्रोडक्ट्स की जितनी ज़्यादा मिकदार में आप ज्यादती करते जाओगे ना तो वो केक ही दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने लेना है क्राइलोन का अक्वा केक, ये भी ओरिजिनल लेना है आप लोगों ने, ठीक है, और ये मैं
शेड यूज कर रही हूँ, FS38 है मेरे पास, ये आपको मेकअप सिटी से इजीली मिल जाएगा। और ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आता है, ठीक है, ये प्रेस हो जाता है, ये क्रीम फॉर्म में है, ठीक है, ये इस तरह से प्रेस भी होता है आपको, ये वाटर एक्टिवेटेड है। ये अब आप लोगों ने क्या करना है कि वाटर स्प्रे ले लेना है, ठीक है, ये थोड़ा सा पानी ले लें और इसमें थोड़ा सा स्प्रे करना है। एक आप लोगों को ब्रश ले लेना है, इसकी मदद से आप लोगों ने यहाँ पर इसको एक्टिव करना है, इसकी पेस्ट बनानी है, ठीक है। थोड़ा सा वाटर हम और ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेक श्योर करना है कि पानी की मिकदार ज़्यादा ना हो कि बिल्कुल वाटरी भरी मतलब पतला सा बनाना है, और ना ही ज़्यादा थिक बनाना है, ठीक है। एक नॉर्मल सा आप लोगों ने एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और ये गर्मियों के लिए बिलीव मी बहुत ही बेस्ट बेस है, बड़े बड़े प्रोफेशनल हाई सैलून्स में यूज़ होता है ये, और आपको ज़्यादा मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक अच्छी कवरेज आती है, ठीक है। इसके साथ अब आपने इसकी, ये देखें, ये येलो अंडरटोन है और ये थोड़ा सा ब्राइट में भी चला जाएगा आपकी जो बेस है। अच्छा, ये थोड़ा प्रोफेशनल है, ट्रिकी है, इसको अप्लाई करने के बाद इसको ब्लेंड करने की थोड़ी सी ट्रिक है, ठीक है, वो आपने ध्यान में देनी है। मतलब इसको अप्लाई करने के बाद ज़्यादा छोड़ नहीं देना, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग बेस को रखता है। तो आप लोगों ने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गीला नहीं करना आप लोगों ने। इसके साथ हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करते जाना है, ठीक है। मेक श्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट लाइंस में अच्छे तरीके से सेट हो जाए, पूरे फेस पे इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही नाइस हो। फिर आप देखिएगा कि आपकी कवरेज कितनी अच्छी आती है, आपके सारे एक्नी मार्क्स अगर हों, डिस्कलरेशन हो, कितने अच्छे से हाइड हो जाएंगे। और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग 8 से 10 घंटे की बेस आपकी रेडी हो रही है, ठीक है। आपने 2-2 मिनट के ना वक्फा दे देना है इसको भी, ब्लेंड करने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगला स्टेप फौरन नहीं करना, कितनी फाइन बेस बन रही है, बिलीव मी, मैं फेस शेयर नहीं कर सकती, लेकिन फेस पर भी इसका बहुत ही हसीन रिजल्ट आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप अब आप लोगों ने क्या करना है, आपको चाहिए एक लूज पाउडर, ठीक है, और ये क्रायलोन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, TL11 मेरे पास इसका शेड है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल गर्मियों के लिए, स्पेशली गर्मियों के लिए आपकी बेस को लॉक करने के लिए, उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा मेरे इसमें से गिर रहा है। ओके, ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल लूज़ फॉर्म में आता है, और ये अपने भर भर कर पूरे फेस पे आराम से लगा देना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा सारा हम बाद में डस्ट ऑफ भी अपने फेस से कर लेते हैं, ठीक है। आपने भर कर अंडर आइज पर, लाफ लाइंस पे, अपने लिप्स के इर्द गिर्द, पूरे फेस पे आपने बहरहाल इसको अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है। और बाकी आइज मेकअप आपने करना है, और फिर 5-10 मिनट बाद आपने इसको ना डस्ट ऑफ कर देना है। फिर आपने अपने बेस की कमाल धमाल देखना है कि क्या उसकी नीटनेस होगी और क्या उसकी फिनिशिंग होगी और कितना मतलब ओरिजिनल स्किन लगेगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने बेस को अच्छे तरीके से सेट कर दिया। आपने एक बड़ा सा साइज़ का ब्रश लेके इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने डस्ट ऑफ कर देना सारे एक्स्ट्रा पाउडर को। आप देख रहे हैं कि बेस कितनी स्मूथ और कितनी नाइस लग रही है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट स्टेप आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, सबसे लास्ट स्टेप है, आपने किसी भी ब्रांड का, अच्छे वाले ब्रांड का जो है फिक्सिंग स्प्रे ले लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्लॉर्मर का, बहुत ही ज़बरदस्त ऑल डे फिक्स सेटिंग स्प्रे है, ठीक है, 125 ml की ये इस तरह की बोतल आपको मिल जाएगी लोकल मार्केट में इजीली। जो अच्छे वाले मेकअप स्टोर्स होते हैं वहाँ से आपको फ्लॉर्मर के प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं। आपको दूर से बोतल को पहले अच्छे से आपने शेक कर लेना है, और दूर से सिर्फ 1 से 2 स्प्रे आप लोगों ने आराम से कर देने हैं, और 2 से 3 मिनट देने हैं ताकि अच्छे तरीके से ये पेनिट्रेट हो जाए। इसके स्प्रे करने से ये फ़ायदा होता है कि मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी बेस है ना, आपकी स्किन में पेनिट्रेट होती जाती है, बिल्कुल नेचुरल लुक देती है, देख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे हाथ पे यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी लगा नहीं हुआ, मैं इसको अच्छे तरीके से अपने बेस पर आपको टच करके दिखा रही हूँ कि ये ट्रांसफर प्रूफ। मैं यहाँ पे कोई टिश्यू से नहीं, डायरेक्ट अपने हाथ के साथ, मतलब आपको पता है हाथ की गरमाइश होती है, तो हाथ की गरमाइश से ये जल्दी हट सकती है, टिश्यू वगैरह से भी नहीं, मैं इसको ट्रांसफर करें अपने हाथ से ट्रांसफर करी है, देखें जरा से भी मेरे हाथ पर नहीं आया। ओके जी, बहुत ही ईजी सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ब्राइडल बेस जो है क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत ही फिनिश, बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश होने के साथ साथ बड़ा ही नेचुरल और ड्यू सा दिखता है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप मज़ीद ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हो मेरे चैनल पर।